उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ मधुबन तहसील के अंतर्गत आप मधुबन नगर पंचायत का ये इंटरलॉकिंग रोड देख रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से ये रोड लगभग 200 मीटर का बना हुआ है और वार्ड नंबर 2 में बना हुआ है। आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से रोड 2.5 महीने भी नहीं हुआ और रोड धस गया है। आखिरकार क्यों रोड धस गया है और क्यों दीवार भाग गई है? आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि ये दीवार पूरी भाग गई है और रोड पूरा धस गया है। अभी बारिश 5 दिन भी नहीं हुए बारिश को होते हुए कि ये दीवार और रोड धस गए हैं। आखिरकार क्या कारण है? क्या इसमें भ्रष्टाचार हुआ है? क्या इसमें कमीशन खोरी हुई है? आखिरकार क्यों ये रोड धस गया है, ध्वस्त हो गया है? आप ये रोड कहीं ऐसे वैसे जगह नहीं बना हुआ है, ये रोड बना हुआ है मधुबन नगर पंचायत के सबसे बड़ा नवनियुक्त हॉस्पिटल राजीव लाइफ लाइन के सामने। आए दिन इस रोड पर एम्बुलेंस मरीज आते जाते रहते हैं। मधुबन का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी यही एक हॉस्पिटल है जो यहाँ पर देवरांचल के लोगों के लिए व्यवस्था और सुविधा दे रहा है। आखिरकार क्या इस हॉस्पिटल के लिए भी मधुबन नगर पंचायत जो रोड बनाया है वो खोखला और ध्वस्त बना क्यों दिया है? आखिरकार क्या मधुबन नगर पंचायत के लोग इसमें नहीं जाएंगे? क्या हॉस्पिटल के लोग ही जाएंगे? आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है और 2.5 महीने में रोड का परखच्चा उखड़ गया है और तो और पटिया भी टूट गई है। आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से आने जाने वाले मरीजों का अगर इसमें पटिए में पैर पड़ जाए तो उनका क्या हाल होगा? अगर कोई मरीज आया और दीवार बरसात में भाग जाए तो उनका क्या हाल होगा? यही सब सोचना है। आए दिन नगर पंचायत में कोई ये नया मामला नहीं है पटिया टूटने का, ये मामला पुराना हो चुका है और ये रोड भी पुरानी हो चुकी है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि पटिया कैसे लगाया हुआ है, अगर किसी का पैर उसमें पड़ जाए तो टूट जाएगा। आप देख रहे हैं पटिया को कैसे पटिया जो है ये बीच बीच में टूटा हुआ है, लेकिन कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शंकर मदेसिया आए दिन ऐसे ही रोड बनता रहता है और उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से रोड कितना भाग गया है और किसी का पैर पड़ेगा तो उसमें टूट ही जाएगा। आपको बताते चलें मधुबन नगर पंचायत में कोई ये पहला रोड नहीं है, ऐसे सैकड़ों रोड बन चुके हैं जिसमें आए दिन भ्रष्टाचार होता रहा है। नकली ईंटा लगता है, नकली बाउंड्री वॉल का ईंटा लगता है, नकली पट्टियां लगती है। क्या नाम है? ये कब से रोड खराब है? समथिंग ये जो है और कितने दिन बने हुए हुआ है? किससे बना है ये? सर ये तो हमको भी पता नहीं। नगर पंचायत से बना है? नगर पंचायत का ही है सर। कौन नगर पंचायत है ये? मधुबन नगर पंचायत। ये पूरा अभी बरसात हुआ है तभी धस गया है क्या पूरा रोड? हाँ सर। कितने दिन बाद धसे हुए? मुझे लग रहा है कि ये 15 दिन पहले जो है। क्या कहना चाहेंगे आप? सर हम चाहते हैं कि यहाँ देखिए क्योंकि अभी अस्पताल है और मरीज जो है हमेशा आते जाते रहते हैं, तो हम चाहते हैं सर कि ये जो रोड है ये बन जाता तो बेहतर होता, ताकि उसमें मरीज आए तो किसी प्रकार का दुर्घटना ना हो, किसी भी समय सर रास्ता जो है बने। क्या नाम है आपका? यादव। क्या मामला है पूरा, ये कब से बन रहा है? सर 3-4 महीने लगभग बना हो गया, लेकिन अभी ये बरसात अभी बहुत कम हुआ तो अभी इतना ही हाल है। अगर बरसात दस दिन बाद तो क्या इस रोड की है, चूँकि हॉस्पिटल है बाजू बगल में। जब कोई रोड बनता है तो 3 साल बाद ही उसका जो है रिपेयरिंग होता है नगर पंचायतों में जी। और इसको भी 4 महीना नहीं हुआ, टूट गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसकी पुनः रिपेयरिंग कराई जाए या ठेकेदार पर कार्रवाई की जाए? जांच कराया जाए, इसकी जांच कराई जाए, कमी है कि ऐसा ये हुआ। आखिरकार ये इसको चलना चाहिए, 3 बरस 4 बरस तो चलना ही चाहिए ना।
हाँ, तीन बड़ी इसका वॉलिटी होता है, उसके बाद रिपेयरिंग होता है। हाँ, रिपेयरिंग होता है। अभी 3 महीना तो हुआ इसको, अभी धस गया। कौन सा हॉस्पिटल है ये? राजी लाइफ लाइन।